फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज के दिन हम लोग एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के दिन आप देखेंगे तकरीबन यहाँ पे 2% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए एनसीएल रिसर्च में आपको समय समय पर तेजी और गिरावट देखने को मिलती रहती है। उस तरीके का स्टॉक है। काम क्या करता है, सबसे पहले काम के बारे में बता देते हैं। फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था कि एनबीएफसी जो कंपनी थी उसके बारे में वीडियो बनाया था, सेम उसी तरीके की यही कंपनी है। एनबीएफसी कंपनी है, लोन वगैरह इजिली प्रोवाइड कराने के लिए जो कंपनियां होती हैं एनबीएफसी बैंक से इजिली लोन प्रोवाइड कराती है। इसलिए लोगों का झुकाव बैंक से ज़्यादा इन दिनों एनबीएफसी कंपनियों की तरफ बढ़ रहा है। इस लिहाज से जो एनबीएफसी में काम करने वाली कंपनियां होती हैं उनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि आने वाले समय में जब लोगों का झुकाव एनबीएफसी कंपनियों की तरफ बढ़ रहा है तो ये कंपनियां फ्यूचर में ग्रो करेंगी। तो काम के प्रोस्पेक्टिव से हमें समझ में आता है कि एनसीएल रिसर्च आने वाले समय में ग्रो करेगा, लेकिन क्या इस कंपनी का फंडामेंटल उतना मजबूत है या धीरे धीरे फंडामेंटल मजबूत हो रहा है कि नहीं, आने वाले लंबे समय में कंपनी अपने आप को सस्टेन कर पाए, तो उसी को इस वीडियो में समझेंगे। देखिए मार्केट कैप लिहाज से आपको पता है कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, तकरीबन 55 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है और शेयर प्राइस सिर्फ अभी 52 पैसे के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू से भी कंपनी का शेयर प्राइस कम है, यह भी एक निराशाजनक बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल के दिन जो मैंने वीडियो बनाया था उससे कई गुना यह बेहतर कंपनी है। इस मामले में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी देखेंगे दोनों पॉजिटिव में है, माइनस में, और तकरीबन 1-1% के आसपास ये मतलब बढ़िया बात है। सामान्यतः जो पेनी स्टॉक होते हैं उनका आरओई और आरओसी आप देखते हैं निगेटिव में होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। तो ये तो हम लोग काम और कंपनी का फंडामेंटल समझ गए। चलिए टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि कंपनी का चार्ट क्या बोलता है। चार्ट देखने से हमें यह समझ में आता है कि हमें कहाँ पर पैसा लगाना है, ये बात यहाँ से स्पष्ट रूप से पता चल जाती है। तो अभी देखिए एक साल का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है और एक साल के चार्ट पर आपको आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो 45 पैसा का लेवल था, 45 पैसा से लेकर 40 पैसा के बीच में काफ़ी दिन के स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, और जिससे कंसोलिडेशन से बाहर निकला। हर एक वीडियो में बताता हूँ कंसोलिडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कंसोलिडेशन से जब भी स्टॉक बाहर निकलता है लंबा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। इसमें भी मिला तकरीबन 45 पैसा सीधे इस कंपनी का प्राइस 75 पैसा 80 पैसा तक गया। हालांकि इतना लंबा बढ़ने के बाद जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगा, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद जो बात थी प्राइस नीचे आया और फिर अपने इसी जो इसका सपोर्ट लेवल था यहीं पर सपोर्ट लेकर फिर प्राइस देखेंगे धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ जाने लगा है। अभी क्या होगा कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भी समय बिताया 55 पैसा के आसपास, इसी रेंज में कुछ दिन तक समय बिताएगा अच्छी बात है। जितना समय बिताएगा उतना लंबा ब्रेकआउट होगा, तो जब फिर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तब फिर ये 80 पैसा के लेवल के ऊपर निकलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपने आप को तैयार कर रहा है एक लंबा ब्रेकआउट आने के लिए। तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से तो हम यही पता चलता है जब कंपनी का हम चार्ट देखते हैं कि ये स्टॉक अपने आप को तैयार कर रहा है एक लंबा ब्रेकआउट होने के लिए। अभी कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, छोटा सा रिस्क लेना चाहते हैं, वो रिस्क तब ले सकते हैं जब इस कंपनी का शेयर प्राइस इस लेवल के ऊपर निकले जो 50-55 पैसा के ऊपर है, ऊपर निकलने लगे तब। अब मान लीजिए जब जब तक कंसोलिडेशन है तब तक पैसा फंसाने का कोई लॉजिक नहीं है, जब इससे ऊपर निकलेगा यहाँ पे आप छोटा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से और अपने रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद। एक्चुअली अब हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल धीरे धीरे मजबूत हो रहा है कि नहीं, ये हमें कैसे पता लगता है, ये हमें पता लगता है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट से। तो जब हम यहाँ पर कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं तो पाते हैं कंपनी का जो सेल्स है जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें कंपनी का आपको रिजल्ट और सॉरी सितंबर क्वार्टर का तो रिजल्ट आया ही नहीं है, मतलब पिछले जो जून क्वार्टर रिजल्ट है उसमें देखेंगे तो बढ़ते हुए दिखा है। और ओवरऑल पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो सेल्स के मामले में बढ़ते हुए दिख रहा है, ग्रो होते हुए दिख रहा है। और जब सेल्स बढ़ रहा है तो क्या नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कि नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट को ओपन करते हैं। नेट प्रॉफिट में क्या होता है, टैक्स देने के बाद जो कंपनी के पास पैसा बचता है उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो यह भी आपको बढ़ते हुए दिखा है पिछले 2 क्वार्टर, यानी कि ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल जो है ऐसे चल रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि फंडामेंटल में मजबूती आ रही है। हम ऐसा कह सकते हैं फंडामेंटल कंपनी का ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में जैसे जैसे फंडामेंटल ग्रो करेगा। तो मैंने आपको बताया कंपनी जो काम करती है एनबीएफसी काम करती है, लोगों का आकर्षण इस तरह की कंपनियों की तरफ बढ़ेगा, तो काम के ब्याह पर भी फंडामेंटल के ब्याह पर भी कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आएगी, क्योंकि कंपनी मजबूत होगी तो उसका जो मजबूती है जो उसका फंडामेंटल जब मजबूत होगा तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पर बढ़ेगा, शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो यदि आप इसमें समय देते हैं तो एनसीएल रिसर्च आने वाले समय में आपके लिए एक बेहतर स्टॉक हो सकता है। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कोई सवाल है मन में कमेंट में जरूर पूछिएगा, मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हो तो मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।